वे संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि माँ सरस्वती का नवरात्रि से क्या है कनेक्शन। दोस्तों, माँ सरस्वती जिन्हें लोग विद्या और संगीत दोनों की देवी मानते हैं, कहते हैं कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बिना किसी के लिए भी पढ़ाई और संगीत में आगे बढ़ पाना असंभव है। आपने देखा होगा कि चाहे जितना भी बड़ा फिल्म स्टूडियो हो या फिर बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, वहां माँ सरस्वती की मूर्ति जरूर होती है। बता दें कि माँ सरस्वती जो हैं, वह हंस की सवारी करती हैं। जहां उनके एक हाथ में वीणा होती है तो वहीं दूसरे हाथ में पुस्तक भी होती है। दोस्तों, नवरात्रि के सातवें दिन होती है सरस्वती आवाहन। तो क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि पूजा के सातवें दिन यानी कि महासप्तमी को जब शुक्ल पक्ष होता है तो माँ सरस्वती आवाहन किया जाता है। यही नहीं, नवरात्रि के आखिरी तीन दिन माँ सरस्वती की ही पूजा होती है और फिर विजयदशमी के दिन इनका विसर्जन नम आंखों से कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं माँ सरस्वती की रचना किसने की। भगवान ब्रह्मा जी ने जब पूरी धरती की रचना की थी तब भी उन्हें कुछ कमी महसूस हो रही थी। सब कुछ मौजूद होकर भी हर जगह निरस्ता छाई हुई थी। ऐसे में उन्होंने जल लेकर धरती को हरा भरा करके माँ सरस्वती की रचना की। भगवान ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि वह वीणा और पुस्तक से इस पूरी दुनिया को मार्ग दिखाए। शक्ति का एक रूप है माँ सरस्वती। हमारे हिंदू पुराणों और ग्रंथों में भी माँ सरस्वती के बारे में अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। जान ले कि धर्म ग्रंथों में देवी को सप्तरूपा, शारदा, वीणापणी, वाग्य देवी, भारती, प्रजापारमिता, वागीश्वरी तथा हंसवाहिनी आदि नामों से भी संबोधित किया गया है। सरस्वती ने दिया था कुंभकर्ण को सालों तक सोने का वरदान। दोस्तों, कहते हैं कि कुंभकर्ण ने भगवान ब्रह्मा जी की कई सालों तक पूजा व अर्चना की थी। जब ब्रह्मा अपने सच्चे भक्त कुंभकर्ण से खुश होकर उसे वर देने जा रहे थे, तभी अन्य देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि वह कुंभकर्ण असुर प्रवृत्ति का इंसान है, वह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा। ऐसे मुश्किल की घड़ी में ब्रह्मा ने माँ सरस्वती को याद किया और फिर क्या, कुंभकर्ण की जीप पर माँ सरस्वती जाकर बैठ गई। जैसे ही ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को वर देने के लिए पूछा तो कुंभकर्ण के मुंह से निकला, मैं सालों सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। जिसके बाद से ब्रह्मा जी ने उन्हें सालों तक सोने का वरदान दिया था। दोस्तों, इसके आगे हम जानते हैं क्या है सरस्वती आवाहन। बात अगर हिंदू ग्रंथों की करें तो उसके हिसाब से सरस्वती आवाहन मूल नक्षत्र के दौरान होता है। पूजा पूर्व अषाढ़ नक्षत्र और बलिदान पूजा उत्तर अषाढ़ नक्षत्र के दौरान होती है। विसर्जन श्रावण नक्षत्र को होता है। तो सारे भक्तजन मिलकर कहें माँ सरस्वती की जय। तो माँ सरस्वती के सच्चे भक्त और जो विद्या और संगीत का ज्ञान पाना चाहते हैं, कमेंट में जय माँ सरस्वती जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसे बहुत से रहस्यमय और रोमांचक वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए वे संसार के साथ। हम जल्दी लौटेंगे नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।